पूरे उत्तर भारत के साथ हिमाचल प्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी अपना कहर बरपा रही है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है और पहाड़ी इलाकों में भी चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। कुछ इलाकों में दो दिन से लू चल रही है और सप्ताह भर हीट वेव जारी रहने का मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालात बिगड़ते देख शिक्षा विभाग ने समर क्लोजिंग स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया है। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन जिला के बीबीएन और सिरमौर जिला के पांवटा साहिब व नाहन आदि इलाकों में स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे व 1 बजे छुट्टी होगी। इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत के शर्मा ने सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों में उच्च शिक्षा निदेशालय ने छात्रों को पीने के पानी के लिए 5-5 मिनट 2 स्पेशल ब्रेक देने की सलाह दी है, ताकि स्कूल के समय के दौरान छात्रों को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखा जा सके। क्या कहना है उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत के शर्मा का, सुनिए विस्तार से। टाइमिंग जो बच्चों का स्कूल जाने का है 7:30 बजे से 1 बजे तक उसको कर दें, 7:30 बजे से 1 बजे तक। और एक और खास बात हमने इसमें लिखी है कि बच्चों को, क्योंकि बच्चे पानी कम पीते हैं, तो 2 इनको पानी पीने के लिए स्पेशल ब्रेक्स दिए जाएं, चाहे वो 5 मिनट 10 मिनट या जितना भी उनका टाइम लगता होगा पानी पीने का। हो सकता है ब्रेक में वो क्लास में ही पानी पिला दें तो क्लास में ही पिला दें, लेकिन बच्चों को कंपलसरी 2 ब्रेक्स उनको देने को हमने कहा है। और खासकर एक और चीज़ इसमें लिखी है कि अगर जिला के जिलाधीश या SDM उस इलाके के, उन्होंने अगर कोई पहले से ही इसके बारे में निर्णय कर दिया है तो हमारा जो ये आज का आदेश है तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जो वहाँ का उनका पहले का निर्णय है वही लागू रहेगा उन स्कूलों में, उन एरियाज में। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।